हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पेट हाउस। तो यार कैसे हो आप सब? अपना तो बस पुराना है, जिंदगी में गम में दर्द है, दर्द में मजा और मजे में हमें भी। आहा यार, यहाँ पे जो है ना राफे मसरूफ है, सारे विली मास्टर्स को उठा के ना फेंक यार, आराम से निकालो। सारी मुर्गियां जो है ना अंदर चली जाती हैं विली मास्टर्स के केज के। आज मैंने सोचा था कि इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन पहले हमने केज खोला, सारी मुर्गियां अंदर चली गई और भाई विली मास्टर्स को मार रही थी। अभी मैंने राफे से कह के अंदर जाके खुद ही इनको बाहर निकाल दो। राफे, ये वाली मादी मुझे लगता है बच्चे देने वाली है। ये देखो काफी मोटी हुई हुई है ये दोस्तों, मुझे लगता है थोड़े दिनों में ना ये वाली मादी हमारी बच्चे दे देगी। और मस्ती से चेक करो जरा इसकी, आगे से ना जरा वो देखो कौन बैठा हुआ है अंदर। आगे सेटो राफे, आगे सेटो, मैं दिखाऊँ। ये देखो भाई, आप कौन कौन बैठा हुआ है? एक ही रैबिट है और पूरा इतना बड़ा है, ये मटके के अंदर अकेला ही पूरे आया हुआ है यार। इसने की बच्चे तो नहीं दिए राफे अंदर? ये देखो आ डाल रहा राफे, डर भी रहा है बीच में से। अच्छा रहने दे उसको अंदर ही, क्या पता बच्चे देने वाली हो वो भी। दोस्तों वो भी फीमेल है और अंदर बैठी हुई है, शायद आज वो भी बच्चे दे दे। और भाई आज मरीजों के अंदर जो है ना हम लोग एक और न्यू पेट भी लेके आए हैं, वो मैं तुम लोग को थोड़ी देर के अंदर रिवील करूंगा। बड़े खूबसूरत पेट है और मरीजों के अंदर मैंने पहली बार लाया, आज से पहले हमने वो रखा ही नहीं था, वो मैं तुम लोग को थोड़ी देर में रिवील करता हूँ। और आज जो ना हम अपने जर्मन शेफर्ड को लेकर जंगल में जाने वाले हैं, क्योंकि भाई आज हम लोग करने वाले हैं जंगल सफारी। जो भी हमें स्ट्रीट डॉग, वाइल्ड एनिमल, जो भी चीज मिलेगी ना भाई, हम उसके ऊपर स्वीटी को छोड़ने वाले हैं। देखते हैं भाई क्या रिएक्शन होगा स्वीटी का। लेकिन सबसे पहले भाई, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से ये लाल वाला बटन प्रेस कर दो। और आज का व्लॉग हम यहीं से करते हैं जी शुरू। दोस्तों हमारा एक विली मास्टर जो है ना भाई मुर्गों के दरमियान में फंस गया। राफे इसको निकाल, बेचारा डरा हुआ अंदर, इसको बाहर निकालो यार। ये यहाँ पे कैसे आ गया? मैंने तो इसको भी बाहर निकाला था और सारे जो है ना वापस अपने केज में ही जा रहे हैं। हमारा एक बेबी रैबिट भी आज बाहर आया हुआ है। कैसे हो तुम पब्लू? आ जाओ, तुम्हें अंदर ही छोड़ देता हूँ। दोस्तों विली मास्टर्स का दिल नहीं कर रहा बाहर आने का, शायद धूप है बाहर इस वजह से बाहर नहीं आ रहे, लेकिन इनका केज मैंने खुला ही छोड़ दिया है। अगर इनका दिल होगा तो बाहर आ जाएंगे। और आज मैं ना पिजन्स को बाहर निकालने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारे डक्स जो है ना वो पिजन्स के बच्चों को मारती है। अगर मैं इनका केज खोल देता, सारे डक्स यहाँ पे दाना खाने के लिए आती है और भी हमारे बेबी पिजन्स को भी साथ ही साथ खा जाती है। इस वजह से आज जो है ना मैं पिजन्स को निकाल रहा, लेकिन कल जो है ना दोस्तों सुबह सुबह हम अपने पिजन्स को बाहर निकालेंगे। काफी दिन हो गए यार ये बाहर नहीं आए, इनका भी बड़ा दिल कर रहा है उड़ने का। केज के अंदर ही जो है ना पर अपने फैला के उड़ रहे होते हैं, तो कल इनको बाहर निकाल के उड़ाएंगे भी। और चेक कर लेते हैं किसी और मादी ने बेबीज निकाले हैं कि नहीं। यहाँ पे भी अंडे पड़े हैं, यहाँ पे भी अंडे हैं और भाई और दोस्तों इसके साथ वाला जो बेबी पिजन था ना वो हमारी दूसरी डक खा गई थी। यहाँ पे ये वाली मादी भी अंडों पे बैठी हुई है और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। ये व्हाइट वाला बच्चा जो है ना ऑलमोस्ट तैयार हो गया, ये आ गया ब्लैक वाला। और ये देखो माशाल्लाह कितना प्यारा है यार ये। कैसे हो तुम? आराम से ये देखो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों। ये व्हाइट कलर का होगा और दूसरे वाला जो है ना वो ब्लैक कलर का है। ये भी कोई पता नहीं यार, वैसे इसकी माँ तो ब्लैक ही थी लेकिन ये बीच में से व्हाइट निकल आया बच्चा। A few moments later. दोस्तों मैंने रैबिट्स का केज बंद कर दिया और अभी जो है ना राफे ने खोल लिया भाई हमारे बजीज का केज। लेकिन रुक जा एक मिनट रुक जा, इससे पहले जो है ना भाई हम लोग खोल देते हैं अपनी सारी कैट्स को, क्योंकि विली मास्टर्स बंद हो गए तो भाई हमारी कैट्स जो है ना बाहर आके पानी वानी पी लेंगी। वैसे सुबह जो है ना इनको मैंने 2-3 घंटे बाहर निकाली रखा है और सारी माशाल्लाह से तंदुरुस्त भी है और एक्टिव भी है। फंटा कैसी है तुम? चल खोल दे राफे बजीज को। 1 2 3 आराम से ऊपर भी देखना बैठे हुए यार सारे लाइन में। ये ना हो एक एक करके बाहर नहीं निकालना, इसको बाहर नहीं निकालना, अंदर से दिखाना है भाई बाहर निकालेंगे फिर कौन लगाता रहेगा। दोस्तों हमारे बजीज के उड़ने का जो है ना बहुत ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे। दरवाजा पीछे से बंद कर ले। ये चेक करो माशाल्लाह से सारे बजीज एक्टिव भी हैं और येलो कलर की हैं यार सारे ये। हालांकि मादी जो है ना वो ग्रीन कलर की है, वो सामने बैठी हुई है, लेकिन बच्चे उसके सारे येलो कलर के आए हैं। ये चेक करो दोस्तों, एक बच्चे को मैंने बाहर निकाल दिया और उसके पाओ पे ना कुछ अजीब सी चीज लगी हुई है। मुझे लगता है ये जिसके अंदर इन्होंने बच्चे दिए ना यहाँ पे काफी ज्यादा मिट्टी से पड़ी हुई है, तो शायद ये जो है इसके पाओ पे लगी होगी। और एक और मादी जो है ना हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे नहीं पता भाई इसके अंदर अंडे हैं या बच्चे हैं। कैमरा ओपन करके देखते हैं, मुझे लगता है शायद हाँ अंडे पड़े हैं, 3-4 अंडे इसमें और इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई। बेबी पैरेट को अंदर रखते हैं, सारे बेबी पैरेट जो है ना इतने ही साइज के हैं और 4 बेबी पैरेट्स हैं। चक्कियां काट रही है तो मुझे, चल अंदर चला जा। आश दोस्तों रोटियां मैं सभी पैट्स के लिए नीचे से लेके आ गई और ये देखो सारे मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आजा कालू डालता हूँ रोटियां। आ जाओ सारे आ जाओ। रोटियां देखना कितने शौक से खाते हैं यार हमारे पैट्स। डॉग्स आ गए भाई पक पक करती हुई सबसे पहले और वहां पे टर्की बर्ड्स को भी डाल देते हैं। ये लो काफी आधी फौज हमारी वहां पे बंद है। तभी मैं कहूँ हमारे पैट्स कम क्यों लग रहे हैं? सारे मुर्गियां तो यहाँ पे हमारे न्यू वाले पैट्स के साथ बंद है। न्यू वाले पैट्स रिवील ना हो जाए, वो सामने जो केज तुम लोगों को नजर आ रहा है ना अंदर पड़ा हुआ उसके अंदर है वो। दोस्तों एक ही बार ना रोटियां और दाना ये खा लें, उसके बाद जो ना हम लोग आराम से भाई जर्मन शेफर्ड को लेकर जंगल सफारी करने जा सकते हैं। एक मिनट रुकना, अभी तक हमने ब्राउनी को दाना नहीं डाला और ना मैंने आज आके ब्राउनी को देखा है। हमारी ब्राउनी जो है ना अंडों के ऊपर बैठी हुई है। ये चेक करो भाई ब्राउनी कैसी है, तुम्हारी तबीयत से ठीक है तुम्हारी? राफे खोलो केज, अंदर जाओ यहाँ पे से इसको दाना डाल दो। ये मुर्गा कैसे अंदर चला गया भाई दाने खाने के लिए? बाहर आ जा यार, ये छोटा सा
मुर्गा जो ना बड़ा शरारती है, अंदर जाके ना ब्राउनी का दाना खा रहा था यार, अंडे तो नहीं इसने तोड़ दिए भाई, ब्राउनी उसको आगे से मुझे लगता है मार रही थी ब्राउनी, क्योंकि अपने अंडे था दोबारा से ठीक कर रही है यार। इस केज को बंद कर दो, ब्राउनी तंग होती है इसको ना, अभी मैं पानी भी ला के डालता हूँ। यहाँ भी मैंने इसका दाना रखा और बाकी मुर्गे आगे इसका दाना खा रहे हैं यार, पर इतना ज्यादा दाना पड़ा हुआ है। लेकिन ये मुर्गा जो है ना हमारे रॉकी से डरता है, इसलिए ये रॉकी के करीब नहीं आता। जब रॉकी दाना खा रहा है सारे मुर्गे यहाँ से गायब हो जाते हैं। और राजू और रानी ना दोस्तों आज भी केज के अंदर ही बंद है। यहाँ पे जो है राजू और रानी को दाना डाला है, लेकिन इनका दाना काम है, राफे जो है ना और दाना लेके आएगा। और ये आगे भाई हमारे बेंटू और हमारा पीले वाला देसी मुर्गा, देखते हैं भाई आज इसके अंदर मस्ती है कि नहीं। रोज वैसे इसके अंदर मस्ती होती है, अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ भाई कैसा है, आजा 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 आजा, हाथ में आगे लेके जाता हूँ, देखना कैसे मारेगा। नहीं भाई आज नहीं मारे यार, आज तो डर रहा है दोस्तों। कभी कभी तो ये डर रहा होता है और कभी कभी ना मारने को आती है। ओए 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 बैर नहीं खाना यार, अभी आके रॉकी के साथ लड़ेगा, अभी रॉकी के साथ। ओए तुला केज लेके आओ, वो गोल वाला केज लेके आओ जल्दी से दोस्तों। इसको ना हमें बंद करना पड़ेगा वरना रॉकी के साथ इसकी फाइट हो जाएगी। रॉकी भी एक्टिव होकर खड़ा हो गया, इतनी देर से मैं इसके पीछे केज लेके भाग रहा हूँ, लेकिन ये आगे आगे भाग रहा है। आगे से रास्ता रोक इसका, इसको बंद करते हैं। इधर भैया चेक करो इसके काम बहुत तेज है यार, इतनी देर से भगा रहा है मुझे। ए रुक जा, हसन भी स्वीटी लेके आ गया, उसकी स्वीटी मैं तुम लोगों को रिवील करता हूँ। पीछे कर ले, इतनी खतरनाक है भाई ये, डॉग कहाँ से लेके आया तू? राफे पहले मुर्गे को बंद करो फिर इसको देखते हैं भाई, हसन इसको हैंडल कैसे करेगा यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ इतना खतरनाक डॉग ये लेके आ गया, पहले वो लेके आ, मुर्गे को बंद कर। नहीं, उधर जाएगा राफे, उस साइड पे चला जाएगा। दोस्तों फाइनली ना इसको इतनी देर के बाद हमने पकड़ के यहाँ पे बंद कर दिया। और अभी जो है मैं तुम लोगों को हसन का डॉग रिवील करने जा रहा हूँ। चल हसन दिखा, नीचे छोड़ना इसको, उठा क्यों लिया भाई, छोटा सा पप्पी है, इतना क्यूट है। 1 2 3 और ये चेक करो भाई, ये चेक करो कहाँ से लाइए यार, ये है डबल कोट है या ट्रिपल कोट है। चलो लेके जाओ इसको जरा वॉक पे। चलो भाई हसन अभी वॉक पे लेके जा रहा है अपनी स्वीटी को, ले जाओ इसको खिलाइए डाइट कोई है। क्या डाइट खाता है ये? कुछ भी नहीं खाता भाई, ऐसा डॉग लेके आया हसन, ये तो कुछ भी नहीं खाता यार, ये तो बड़ा फिट डॉग है। फिर है हमारा तो दूध भी पीता है, गोश्त भी खाता है, लेकिन तुम्हारी स्वीटी यार कुछ भी नहीं खाती भाई। फाइनली स्वीटी को जो ना हम लोग लेके जा रहे हैं जंगल सफारी पे, और हमारे साथ जो है तीन बछिंदे और होंगे, अली राफे और एक और बच्चा। स्वीटी जो है ना भाई बड़ी एक्टिव हुई हुई है, लेके जाते हैं इसको जंगल में, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर हमें कोई स्ट्रीट डॉग मिला या कोई वाइल्ड एनिमल मिल गया ना भाई, स्वीटी को हम उसके ऊपर छोड़ने वाले हैं। काम चेक करा जरा, इसके मुर्गियों के ऊपर जा रहा है। चल स्वीटी चलो चलो चलो, ना भाई देखे किस तरह से एकदम से जाके अटैक करता है। तो भाई कैट्स को हमने अंदर बंद कर दिया भाई, क्योंकि मिनी जू के अंदर जो है ना ये उधम मचा देती हैं। और स्वीटी रेडी टू गो है, लेट्स गो भाई, निकलते हैं। फाइनली हम लोग जो है ना जंगल के करीब पहुंचे हैं, ये जो है आखिरी मकान है, यहाँ से आगे जो है भाई जंगल ही जंगल शुरू हो जाता है। देखते हैं स्वीटी को, ओए इतना प्यारा बर्ड है ली, वो देख इसको पकड़ो, स्वीटी को पकड़ो, काशी फेंक उसको जरा शूट करके आता हूँ। दोस्तों इतना प्यारा ना वाइल्ड बर्ड है कोई, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ जरा जाके। ओ यार आगे निकल गया वो भाई, इतनी बड़ी उसकी दुम थी और ब्राउन कलर का था। काशिफ आज आगे और भी चीजें मिलेंगी यार, जल के देखते हैं भाई जंगल में आज हमें क्या क्या मिलता है। और यहां से चेक करो एक छोटा सा ब्रिज आ गया, इसको क्रॉस करके हम लोग इस साइड पे जाएं या सामने की साइड जाएं, इस साइड पे चलते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या मिलता है हमें। इसके गले में रस्सी रोल करके ना इसको छोड़ दो खुला, देखते हैं भाई स्वीटी हमें कहां लेके जाती है। बंद करो, वो देखो बच्चे पहले ही डर गए भाई, राफे पहले डर गए। राफे अगर तुमने घर जाना पहले चले जाओ भाई, क्योंकि स्वीटी जो है ना यार वो बड़ी अग्रेसिव हो जाती है खुलने के बाद, देखना अपनी मर्जी से यहाँ वहां घूमेगी। यार ये कह रहा है इसको ना इस तरह से बंद ना करो, ये इसी तरह ही होगी, आ जाओ कुछ भी नहीं कहती तुम लोगों को, इजी होके आ जाओ। चल स्वीटी इधर आ, तुम लोग चलते जाओ, स्वीटी हमारे पीछे पीछे आएगी खुद ही। स्वीटी अभी ऊपर चली गई, ऊपर की साइड से ना हमारे साथ साथ आएगी। दोस्तों स्वीटी कहीं भी नहीं जाती यार, इसको ना हम लोग रात को भी। ओए आगे एक डॉग मिल गया, स्वीटी आ जा, आगे एक स्ट्रीट डॉग मिला यार हमें, वो जा रहा है स्वीटी, वो है, चल वो सामने भाई झाड़ियों में घुस गया। स्वीटी का रिएक्शन चेक करो जरा, ये जा रहा है स्वीटी, वो है सामने, जा पकड़ ले इसको स्वीटी, चल आ जा पकड़ ले, वो गया भाई। स्वीटी तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही यार, उसके पीछे ही नहीं जा रही। अब स्वीटी को सुसु आ गया यार भाई, काम के टाइम पे इसको सुसु आ रहा है। और स्ट्रीट डॉग के पीछे इसको लेके चलते हैं यहाँ से रास्ता। स्वीटी इधर आ स्वीटी, यहाँ से चलते हैं भाई, स्वीटी जो है ना उस साइड से आएगी। तो काफी देर से ना हम लोग कोई शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें एक ही स्ट्रीट डॉग मिला है, और वो भी इतने टाइम के बाद हमें जाके मिला है। जब से हमने स्वीटी लाई है ना, हमें अभी तक कोई भी स्ट्रीट डॉग नहीं मिला, सिर्फ एक बार हमें दिखे थे और भाई वो भी दूर से ही फड्डा हुआ था। लेकिन कल मोहल्ले के अंदर जो है ना भाई किसी स्ट्रीट डॉग के साथ स्वीटी का फड्डा कराएंगे, क्योंकि जंगल के अंदर तो हमें वाइल्ड चीजें मिल सकती है, लेकिन भाई स्ट्रीट डॉग्स तो हमें स्ट्रीट्स में मिलेंगे, यहाँ पे तो स्ट्रीट्स ही नहीं है। अच्छा अभी हम ऐसा करते हैं अली, तुम और राफे ना किसी दरख्त के ऊपर जाओ, देखते हैं स्वीटी का क्या रिएक्शन होगा, तुम लोगों के साथ साथ मैं भी ऊपर आ जाऊंगा ठीक है। अभी जो है पेड़ के ऊपर चढ़ते और देखते भाई स्वीटी नीचे खड़ी होगी क्या करेगी, क्या रिएक्शन होगा, दूर जाएगी या नीचे खड़ी रहेगी। लेट्स सी भाई, देखते हैं क्या करती है ये। कहाँ पे है वो? पेड़ के ऊपर आवाज आ रही है, एक मिनट चुप करो भाई, कोयल की आवाज आ रही है यहाँ से, कितने मजे की आवाज है यार इसकी, एक दफा और बोल।
पास जाके राम राम से देखते हैं कि ये बैठी हुई कहाँ है। तुम लोग यहीं पे रुको, तुम लोग यहीं पे रुको भाई, कोयल की आवाज़ आ रही है, इतनी प्यारी आवाज़ है, तुम लोग सुनो ज़रा। खामोश हो गई है, खामोश हो गई है। वो सामने है, वो सामने झाड़ियाँ हिल रही हैं। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं बैठी हुई है। इधर आ, इधर आ, वो देख ऊपर, वो देख, वो देख। अच्छा भाई काम चेक करो जरा, सिटी आप ऊपर आ रही है क्योंकि अब मैं ऊपर आ गया हूं। इधर आ, इधर आ, स्वीटी स्वीटी ऊपर आ जा, नहीं दोस्तों, जंगल में हमें काफी देर हो गई है, ना तो हमें और कोई बर्ड मिला और ना ही कोई वाइल्ड एनिमल नजर आया है। तो भी हम लोग जा रहे हैं भाई सीधा मिनी जू के अंदर, क्योंकि वहां पे जाके तुम लोगों को हमने प्यारे प्यारे बर्ड्स भी रिवील करने हैं। और अभी शाम का टाइम हो गया है और सूरज गरूब होने वाला है, तो निकलते हैं फौरन से जाके तुम लोगों से मिलते हैं मिनी जू में। और स्वीटी को किसने पकड़ा हुआ है? वाह जी वाह, तुम तो इतने डरते हो स्वीटी से हैं। अभी मैं स्वीटी को खोल दूं, ये बंदा सबसे पहले घर पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या चीज है यार। ये देखो, मुझे तो लग रहा है कोई पिगी है ये, उसका वो कितना अजीब है। ये देखो भाई सब बकिया ही बकिया यार इसके ऊपर, निकलते हैं यार कश्ती। चल चल अली चले भाई, बहुत ही अजीब चीज़ है, इतनी तेज स्मेल है, स्वीटी भी भाग गई यार इसकी स्मेल से। तो दोस्तों फाइनली हम लोग मिनी जू के अंदर पहुंचे हैं और स्वीटी को हमने नीचे बंद कर दिया है। और फाइनली भाई इट्स टाइम टू रिवील द न्यू बर्ड। और काशी भाई जो ना निकाल रहे हैं उसको बाहर, बाहर निकाल ले फिर रिवील करते हैं आराम से। ओए होए होए होए, बड़े क्यूट है यार ये तो। दोनों जो है ना कल रात से मिनी जू के अंदर है, कल ही हम इनको लेके आ गए थे और तुम लोग को रिवील करने जा रहे हैं भाई। ये चेक करो जरा, ये दोनों बटेरे हैं भाई। इसको क्या कहते हैं वैसे इंग्लिश में? क्वेल आई थिंक, कॉमन क्वेल कहते हैं भाई इसको। ये कॉमन क्वेल है, इंग्लिश में तितर कहते हैं इसकी, सुन लो। इंग्लिश में इसको कॉमन क्वेल कहती है। और बड़ी क्यूट बर्ड है यार ये, पहली बार हम लोगों ने मिनी जू में लाए हैं। और ये पेयर है, नर और मादी दोनों हैं जिनसे हम लेके आए। उन्होंने कहा भाई कंफर्म नर और मादा हैं ये। अब पता नहीं अंडे देते हैं ना, अंडे देते हैं कितने टाइम बाद, मुझे तो इनका ब्रीडिंग सीजन वगैरह कुछ भी नहीं पता। खैर हम लोग सर्च कर लेंगे। लेकिन भाई तुम लोगों को कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और सुबह सुबह ना इतनी प्यारी आवाजें लगा रही थी ये, मैं इनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके तुम लोगों को सुनाऊंगा भाई, बड़े मजे की आवाज़ है। और वहां से भी आवाजें लगा रही है। ग्रीन हाउस फॉल्स कहाँ बैठी हुई है भाई? बिल्कुल कोने में जाके बैठी है। और आज जो है ना पूरा दिन गर्मी रही है भाई, बहुत तेज धूप थी। फाइनली इस्लामाबाद के अंदर भी जो है ना धूप निकल आई है आज। यार तुम लोगों को हमारे न्यू कोयल कैसे लगे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और इनको जो है मैं सोच रहा हूँ बड़े केज के अंदर ना खोल के चेक करें जरा। लेकिन मुझे डर ये भी है कि ये उड़ना चाहिए। काशी फ्लाई करते हैं? नहीं, फ्लाई नहीं करते, चूजे की तरह रहते हैं, तेज भागते हैं। भाई इसको भी नहीं पता ये वैसे कर रहा है, मैं नहीं रिस्क लेने वाला। यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।